दोस्तों भारत में सेवन सीटर गाड़ियों का क्रेज काफी है, या यूं कह लें बड़ी गाड़ियों का क्रेज काफी ज्यादा है। सेल्स भी उसी हिसाब से काफी अच्छी होती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 15 बेस्ट सेलिंग 6 और 7 सीटर गाड़ियां जो अप्रैल 2023 में सबसे ज्यादा बिकी हैं, और लेटेस्ट मई 2023 के प्राइजेस भी आपको बताएंगे। इस वीडियो में हमने एमयूवी और एसयूवी दोनों को ही शामिल किया है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की 15th पोजीशन पर आने वाली एमजी ग्लॉस्टर के साथ में। एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी है जिसकी 281 यूनिट्स बिकी हैं अप्रैल 2023 में, 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाती हैं। एक्चुअल प्राइस 32,60,000 रुपए से शुरू होकर के 42,38,000 रुपए तक जाती है। 14 पोजीशन पर जीप मेरिडियन 292 यूनिट्स बिकी हैं अप्रैल 2023 में, एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी है। 27,75,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है और 37,50,000 रुपए तक जाती है। 13 पोजीशन पर टाटा की सफारी 2,029 यूनिट बिकी हैं इसकी अप्रैल 2023 में, प्राइस शुरू होती है 15,65,000 रुपए से और 25,01,000 रुपए तक जाती है। 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखने को ये मिल जाती है। 12th पोजीशन पर Hyundai Alcazar 2037 यूनिट बिकी हैं अप्रैल 2023 में। Hyundai Alcazar भी आपको 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाती है। 16,77,000 रुपए से प्राइस शुरू होकर के 21,13,000 रुपए तक जाती है। 11th पोजीशन पर रेनो की ट्राइबर 2079 यूनिट बिके हैं रेनो ट्राइबर। ये आपको 7 सीटर में मिलने वाली एक एमयूवी है रेनो की तरफ से। 6,34,000 रुपए से प्राइस शुरू होकर के 8,98,000 रुपए तक जाती है। 10th पोजीशन पर टोयोटा फॉर्च्यूनर 2,578 यूनिट्स बिकी हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर की। टोयोटा की तरफ से आने वाली एक फुल साइज 7 सीटर एसयूवी है जो 32,58,000 रुपए की प्राइस पर आती है बेस मॉडल, और टॉप मॉडल 50,34,000 रुपए तक जाता है। यहाँ पर इसके बजट सेगमेंट में आने वाली गाड़ियों की सेल्स इसके आसपास भी नहीं होती है, इसीलिए अपने सेगमेंट में ये राज कर रही है। इसके बाद मारुति सुजुकी XL6 जो कि एक 6 सीटर में आने वाली एमयूवी है मारुति सुजुकी की तरफ से, 2,860 यूनिट बिके हैं अप्रैल में। 11,56,000 रुपए से इसकी एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है और 14,82,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद MG Hector 8 पोजीशन पर 3,103 यूनिट्स बिकी हैं। इसका जो 7 सीटर वाला वर्जन है उसकी प्राइस 17,50,000 रुपए से शुरू होती है और 22,79,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद XUV 700 7th पोजीशन पर 4,757 यूनिट बिकी हैं XUV 700 की। इसमें भी आपको 5 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है। सबसे सस्ता 7 सीटर जो मॉडल आता है उसकी प्राइस शुरू होती है 17,75,000 रुपए से और इसके टॉप मॉडल के लिए 26,18,000 रुपए तक प्राइस जाती है। इसके बाद टोयोटा इनोवा 4,837 यूनिट बिकी हैं इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाईक्रॉस की। क्रिस्टा की बात करें तो 19,13,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है और 25,43,000 रुपए तक जाती है। अभी हाल फिलहाल ही नई प्राइस की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। इसके अलावा टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस 18,55,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है और 29,72,000 रुपए तक जाती है। इनोवा हाईक्रॉस की जो ऑन रोड प्रेजेंस है वो काफी शानदार है, दोनों ही गाड़ियां काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इससे पहले तो 8,000-9,000 यूनिट भी इनकी बिक गई थी, अभी फिलहाल थोड़ी कम सेल्स हुई है अप्रैल के महीने में इन दोनों ही गाड़ियों की। इसके बाद 5th पोजीशन पर मारुति सुजुकी अर्टिगा 5,532 यूनिट बिके हैं। नॉर्मली 8,000-10,000 यूनिट इसकी बिक जाती है। अर्टिगा 7 सीटर में आने वाली एक एमयूवी है मारुति सुजुकी की तरफ से, जहां पर आपको पेट्रोल के साथ CNG का ऑप्शन मिल जाता है। 8,64,000 रुपए से प्राइस शुरू होकर के 13,08,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद किया कारेंस 6,107 यूनिट बिके हैं किया कारेंस के। 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आने वाली एक एमयूवी है किया की तरफ से जिसकी सेल्स काफी अच्छी हो रही है। 10,45,000 रुपए से शुरू होकर के 18,95,000 रुपए तक इसकी प्राइस जाती है। किया कारेंस ने इस बार मारुति अर्टिगा को पीछे छोड़ दिया है सेल्स के मामले में। 3rd पोजीशन पर महिंद्रा की बुलेरो और बुलेरो नियो 9,054 यूनिट बिके हैं अप्रैल 2023 में। बुलेरो की प्राइस शुरू होती है 9,78,000 रुपए से और 10,79,000 रुपए तक जाती है। ये 7 सीटर में आने वाली एक एमयूवी है जिसकी सेल्स काफी अच्छी होती है। हालांकि इसमें आपको कोई खास फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन इसका थोड़ा प्रीमियम वर्जन आता है बुलेरो नियो, जहां पर आपको इंटीरियर भी काफी अच्छा मिल जाता है, रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छी मिलती है, साथ ही साथ प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है। 9,63,000 रुपए से प्राइस शुरू होकर के टॉप मॉडल के लिए 12,14,000 रुपए तक जाती है। दोनों ही गाड़ियां केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में और केवल डीजल ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल है, हालांकि इनको भी अपडेट कर दिया गया है। 3rd पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो, महिंद्रा स्कॉर्पियो के 9,617 यूनिट्स बिके हैं अप्रैल 2023 में, और यहां पर सेल्स काफी अच्छी हो रही है और पुरानी वाली स्कॉर्पियो की डिमांड आज भी उतनी ही बनी हुई है। रोड पर भी आपको काफी देखने को मिल जाती होगी। 13,00,000 रुपए से प्राइस शुरू होकर के 16,81,000 रुपए तक जाती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन और केवल डीजल में ही अवेलेबल है, साथ ही साथ थोड़ा प्रीमियम वर्जन महिंद्रा स्कॉर्पियो एन
इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही शानदार हैं, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। 13,05,000 रुपये से प्राइस शुरू होती है और इसके टॉप मॉडल के लिए 24,52,000 रुपये तक जाती है। यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में और भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आने वाली गाड़ी बन चुकी है महिंद्रा स्कॉर्पियो। नंबर 1 पोजीशन पर मारुति सुजुकी इको 10,504 यूनिट्स बिके हैं। इसमें जो 7 सीटर वर्जन आता है उसकी प्राइस 5,56,000 रुपये से शुरू होती है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा देना ताकि नई वीडियो जैसे ही आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा जो वीडियोस हमने बना दिए हैं 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों के, 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज के, सेडान के और सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों के, वो भी आप इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।